क्योंकि बीच में अभी मेरा प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं मैं अभी पैसा कहाँ रख के ढूंढ रहा था। आज मैं अपने घर पे मेरे सारे दोस्तों को इफ्तारी की दावत दिया हूँ। 7 मिनट में 7 क्वेश्चन बाकी, 1 मिनट में 1, मतलब तो मेरे को बिग बॉस में बुला सकते हैं। ये हमारी सब इफ्तारी है और हमारी पब्लिक। एंटिटी नो वोपस नॉट यू रिकॉर्डिस्ट ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो अभी जो शाम का बज रहा है 6:15 और हल्की हल्की धूप आ रही है, लेकिन ये जो धूप आ रही है ना, ये भी इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है कि मुँह पे ऐसे चटका मार रहा है। मन कर रहा है कि बस घर में बैठे रहूँ ऐसे चालू करके और आराम से चिल करूँ। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि बीच में मैं इतना कंसिस्टेंट हो गया था, फिर अचानक से वापस से मैं कहाँ गायब हो गया हूँ एक हफ्ते के लिए। तो मैं लास्ट वीडियो में या उससे एक पहले वीडियो में मैं बोला था कि मेरा असाइनमेंट है और उसका सब सबमिशन है, तो मैं उसमें 3-4 दिन बिजी हो गया था। फिर अभी 3 दिनों से मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, तो ये सब मैं बिजी हो गया। फिर ब्लॉग बनाने का बीच में मन भी नहीं हो रहा, मतलब मन हो रहा था लेकिन ये सब चक्कर में ये कर फिर ऐसा लग रहा था यार पहले ये काम कर देता हूँ फिर उसके बाद ब्लॉग करता हूँ तो अच्छा रहेगा। मतलब तो ऐसी कोई बात नहीं कि मैं अभी कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा, मतलब रहूँगा इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश करूँगा। कौन कॉल कर रहा है? हाँ मम्मी। यार अभी जाना पड़ेगा, देखे ब्लॉग चालू करता हूँ ऐसे, अब काम आ गया है, मिलता हूँ आपसे। चलो यार अस्सलाम वालेकुम। तो यार मैं जा रहा हूँ ना, मैं वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट होगा क्योंकि बीच में अभी मेरा प्रॉब्लम हो गया था, पता नहीं मैं अभी पैसा कहाँ रख के ढूंढ रहा था घूम के लिए, ऐसे लपेटने के लिए रखा हूँ, बहुत चटका लग रहा है। मेरा एग्ज़ाम है, मैं जा रहा हूँ फिलहाल एग्ज़ाम देने। रोहित भी आप, विनायक भी आ रहा है, 3 बजे मेरा एग्ज़ाम है। 2:41 हो गया, मैं निकलता हूँ, मिलता हूँ। घर वापस जाओ तो चेहरा छू के ऐसा लगता है हीटर है हीटर, इसलिए मैं ये बांधे रहता हूँ। और अभी निकाला हूँ ब्लॉग करने के लिए, तो भाई बहुत ज़्यादा चल रहा है वो ऊपर से रोज़ा। और एक बात और, आज मैं अपने घर पे मेरे सारे दोस्तों को इफ्तारी की दावत दिया हूँ, तो मेरा एग्ज़ाम 3 बजे से लेकर 4 बजे तक होता है, उसके बाद हमें जाना है मार्केट में, सब आज इफ्तारी लेंगे। और विनायक ज्वाइन कर लिया है हमको। विनायक से हाय टू ब्लॉग। गर्मी कैसी है? गर्मी सॉलिड देख रहा है पूरा कैसे कवर कवर। मेरे को यूपी 10 मिनट बाकी एग्जाम को, मैं मिलता हूँ आपसे, मैं बाद में ना, तो फिर मसला हो जाएगा। फाइनल एग्जाम है, बहुत बाकी है यार, मेरा भी बाकी है, बस 7 मिनट में 7 क्वेश्चन बाकी है, 1 मिनट में 1, मतलब तो करना पड़ेगा भाई। 6 मिनट बाकी है खाली, मैं मिलता हूँ आपसे पेपर ख़त्म होने के बाद। बहुत टेंशन में है। ये मैं स्क्रीनशॉट मार के रखता हूँ, कल को बोले तू पेपर नहीं दिया था, स्क्रीनशॉट दिखाओ भाई, पेपर दिया। ये मेरा स्क्रीनशॉट ढपक क्यों हो रहा है? ओ विनायक, हाउ वाज योर पेपर? इट वाज समथिंग लाइक लिट्टी चोखा, जो थोड़ा शुरुआत में गर्म था बाद में ठंडा हो गया। तो पेपर हो गया है, मतलब अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। तो अभी हमारा 2 पेपर बचा हुआ है, तो वो भी हो जाएगा मस्त। अभी का सीन है कि अभी हो रहा है 4:30 और पेपर तो ख़त्म हो गया, बस 2 पेपर मेरा बचा हुआ है, फिर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। ये आज दावत है, तो 2-3 सामान लेना, वो लेने जाएंगे और 4:30 बजे जल्दी से ले लेते हैं ना, तो लेट ना हो जाते। पेपर ख़त्म हो गया, बैठ के तारक मेहता देख रहा है, तारक मेहता देख रहा है तू बैठ के। यार शेड्यूल ना पूरा हिला हुआ, मैं तो ये सोच रहा हूँ रमज़ान के बाद क्या होएगा, अभी तो कभी भी सो रहे हैं कभी भी उठ रहे हैं। तो सीन ये है अभी का, हम यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान लेने का सामान ले लेंगे, और मैं चश्मा एक्सचेंज किया विनायक के साथ, ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेरे ऊपर ना, स्क्वायर वाला चश्मा ज़्यादा अच्छा दिखता है। कमेंट करके बताओ वो वाला अच्छा लगता है कि ये वाला, मुझे पता है यही वाला लगता है। तो मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, हम एक गाड़ी लिए विनायक की, क्योंकि हमें सामान लेना है और सामान लेना है ठक्कर के पास से। मैं बोला 2 गाड़ी लेके कुछ फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ट्रैफिक रहती है ये टाइम पे ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक सीधा भाई। गाड़ी मेरे को क्यों दिया चलाने? बोला विनायक को मैं बहुत खतरनाक फंसा दिया दिमाग वाले उसमें, और विनायक से गाड़ी चलवा ली। मेरे को बिग बॉस में बुला सकते हैं, कन्वेंस करना बोलते हैं, कन्वेंस कर लिया ना भाई। और तो हमें लेना है क्रिस्पी और बैटर लेना है कुछ, तो उसका फ़ोन करके पूछूँगा।
रास्ता मालूम है ना, एक रास्ते से एक शायरी याद आई, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। वाह वाह, तो अभी क्रिस्पी ले ली, अभी बैटर लेना है, यहाँ के बैटर किस चीज़ का लेना है वो कॉल लगा के पूछना पड़ेगा घर पे। कॉल करके पूछता हूँ कि कौन सा बैटर लेना है। हाँ मम्मी, बैटर किस चीज का लेना है? अच्छा अच्छा, मेदू वड़े, ठीक है। अबे यार कितना लेने का था वो बोले। हाँ लेना कितना है? अच्छा ठीक ठीक भाई, पाव किलो मेदू वड़े का बैटर दे दो, ए सॉरी आधा किलो दे दो। बुलाऊंगा बैटर, बैटर भी ले ले, अभी लेना है भजिया, इसको भी लटका दे भाई। भाई पाव किलो मिक्स भजिया दे दे। विनायक को बोला था रिटर्न में मैं चला देता हूँ क्योंकि मैं ब्लॉक कर रहा था, एक हाथ से ब्लॉक करके एक हाथ से गाड़ी चलाने वाला टैलेंट है अपने अंदर, तो बोला चलो रिटर्न के टाइम चला लेते हैं। अब सब सामान तो ले लिया, आधा सामान पूरा पप्पा ले आए, वासिफ लोग को भी बुलाएंगे, साकिब लोग को, मस्त एकदम आज मजा आएगा। यार मेरी गाड़ी ना बहुत ज्यादा गंदी हो गई है और मैं इसे साफ नहीं करवा रहा हूँ, ईद के एक दिन पहले साफ करवाऊंगा क्योंकि मालूम है अभी साफ कराऊंगा अगले दिन फिर से गंदी हो जाएगी, तो बार बार इसे धुलवा के साफ करा के कुछ फायदा होता नहीं है। बहुत ज्यादा मतलब इतनी ज्यादा धूल रहती है ना भिवंडी में कि दो मिनट के लिए खड़ी करोगे गाड़ी तो समझो कि गाड़ी खराब, मतलब गाड़ी खराब नहीं गाड़ी गंदी। सीन ये कि ऑलमोस्ट 6 बजने वाला है और मैं और विनायक तो घर पे आ गए, बाकी सारे लोगों को भी मैं फोन किया हूँ, यहीं पे बैठने वाले, तो ये टेबल अंदर डाल देंगे और वो वाला सोफा यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे मस्त ऐसे वो बिछा देंगे मैट, तो मस्त जगह हो जाएगी। तो अभी पूरा अरेंजमेंट कर लेता हूँ क्योंकि एक ही घंटा बचा रोजा खोल लेंगे। पता नहीं यार जरा से मैं बाहर निकल के थोड़ा टहल लिया, मतलब थोड़ा सामान ले लिया, तो आज बहुत प्यास लग रही है। या तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं रोजा हूँ और मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बोलने से भी एनर्जी बहुत ज़्यादा जाती है, तो मेरे को लगता है इस वजह से भी हो सकता है, अब देखते हैं। और अभी मैं एक काम करता हूँ, लेट जाता हूँ थोड़ी देर, सबके आने तक मैं लेटता हूँ यहाँ पे, इंतज़ार करता हूँ। विनायक अपनी रील पोस्ट कर रहा है। विनायक मैं तो बोल रहा हूँ तू रील से अच्छा यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर। मैं तो चलिए सही बोल रहा हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड कर, बहुत व्यूज जाते हैं उस पे। ऐसे हाँ शॉर्ट्स से यूट्यूब बहुत ग्रो हो रहा है ये बात पता है, लेकिन मेरा कुछ एथिक्स है मेरे चैनल को लेकर, इसलिए मैं वो कर नहीं रहा हूँ कुछ भी, मतलब किसी चीज़ पे व्यूज जा रहे हैं। यार मन तो हो रहा है ना मैं आँख बंद करूँ और चुपचाप सो जाऊँ, इतनी ज़्यादा नींद लगी, पता नहीं अचानक मेरा पेट भी दुखने लगा। एक तो इतना खड्डा है मंडी में, इतना खड्डा है, इतनी बार खड्डे में जाओ अंदर का पूरा सिस्टम ऊपर नीचे हो जाता है, और ये गैबी नगर रोड तो भाई इतना ज़्यादा खराब है। गैबी नगर रोड के बारे में कोई बात ही नहीं करते, कोई न्यूज़ चैनल बराबर यहाँ आगे न्यूज़ डालेंगे लेकिन रोड की बात नहीं करते। भाई अभी का सीन है कि सब मेहमान लोग आ गए हैं, मेहमान से मतलब दोस्त लोग, उसामा है, वासिफ है, वो लड़का कौन है मुंह छुपा के, विनायक है, आदिल अभी आने वाले हैं, रोहिम सुलेम मिला तो उनका इंतजार कर रहा है। भाई अभी सीन ये अजान को सिर्फ 15 मिनट बाकी है, अजान को सिर्फ 15 मिनट बाकी और सब पब्लिक आ गए अपने बैठे हैं, ये हमारी सब इफ्तारी है और हमारी पब्लिक। साकिब का फोटो अखबार में आएगा मासूम रोजदार में। भाई ऐसे बैठा सबसे ज्यादा रोजा उसको ही लग रहा है। भैया अपनी सब पब्लिक बैठ गई है इफ्तारी के लिए, टाइम होने वाला है, घड़ी थोड़ी आ गई।
मेरा सीन ये है कि अभी हो गया तरावी का टाइम और सब खत्म हो गया है आज का। मैं वीडियो इसलिए बनाया, मैं सोचा एक मेमोरीज रहेगी, बाद में कभी देखेंगे तो याद रहेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसा किए थे। ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मैं अगले वीडियो में Q&A वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड लेने की बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हो। और न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करेगा ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के आडियोस। न्यू हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स जरूर करेगा ना। थक गया।